गुप्ता जी को जानता है बराबर, और हम्म, उनको ये पता है कि मैथिली शरण गुप्ता जी जो है वो कानून के भी ज्ञाता हैं और खुद एक जिम्मेदार अधिकारी रह के इतने वर्षों की सेवा देके आए हैं, तो उनको बहुत बारीक अनुभव है। लेकिन सर हर आम आदमी को नहीं पता। और आपको पता है सर मजेदार चीज, वो नहीं तो क्वालिफाइड नहीं है, ये बताइए, क्वालिफाइड देखो जस्ट लॉयर जितना आपने बताया ना सर वो लॉयर भी नहीं बताते हैं सर, इतना को खुद ही नहीं मालूम है, खुद ही नहीं मालूम सर, ये मैं कहना लॉयर चाहता को हूँ। तो सर सेक्शन 39 ही नहीं मालूम है, पुलिस वालों को सेक्शन 39 मालूम। अच्छा छोड़िए, आप मैथिली शरण को भी सेक्शन 39 इतने अच्छे ढंग से नहीं मालूम था। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने इतनी पूरी पुलिसिंग निकाल दी, हमने सेक्शन 154(3) जिसमें एसपी के अधिकार होते हैं, जब हमने उस पे ये सब क्राइम फ्री भारत बनाया, तब हमने उसे बारीकी से पढ़ा कि हमें थानेदार को जांच उसको भेजने की जरूरत ही नहीं है, हम किसी को भी भेज दें उसको थानेदार के अधिकार प्राप्त होंगे। ये इतनी बारीकी से चीज ये मैंने पूरी नौकरी के दौरान नहीं पकड़ी थी, मतलब मैं तो कॉन्फ्रेंस करता हूं ना, नहीं पर सर यानी आप एक चीज क्योंकि बता, मैं तो ऐसा इंसानों को जो कानून को पकड़ लेता हूं इतने जोर से इंप्लीमेंट करता हूं कि और किसी की सुनता नहीं हूं, ठीक है ना। यदि सर आप बात ये सोचा मुझे उस तो समय समझ में आ गई होती तो हम लेफ्ट राइट और सेंट्रल्स का यूज करते, नहीं, पर आप ये बताइए सर जन सुलभ कैसे करेंगे इसको, ये जो बड़ा आसान अभी काम बात है। कर, देखिए सरकार जानबूझ के कंप्लायंस का तंत्र नहीं बना रही है, राइट राइट राइट। अब हमें केवल एक पोर्टल और एक ऐप बना देना है, राइट, उसमें जो जी है ऑडियो वीडियो टैक्स वैक्स ये वो सब क्रिएट कर देना है, राइट, जिसको हम बराबर करें उसी समय वो डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैम्प होते हुए हैश वैल्यू से लॉग होके इनक्रिप्ट हो जाए, राइट, जो हाँ जहां से जहां मूव करे वहां हैश वैल्यू की मैचिंग होके सर्टिफिकेट जाए के साथ, इसमें कोई छेड़खानी नहीं हुई, इंटीग्रिटी सर्टिफिकेट। इस कानून के तहत अपराध है ये एडमिसिबिलिटी सर्टिफिकेट जाए साथ में, जिससे कि राइट डिफेंस लॉयर गेम ना खेल पाए, और यदि फिजिकली कहीं मूवमेंट हो रहा है तो चेन ऑफ कस्टडी मूवमेंट जाए उसमें, राइट। इन तीनों बराबर से आपके जो साक्ष्य हैं वो अकाट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जो है अभी तो जो है फरियादी झूठ मूठ की कई बार रिपोर्ट करता है या कई बार उसे पैसे मिल जाते हैं तो वो बदल देता है कि पुलिस ने गलत लिखी है। अभी जब हर चीज रिकॉर्डेड होगी और डेट और टाइम और लोकेशन और से स्टैंप होगी तो क्या उसे कोई झूठा कह पाएगा? नहीं कह पाएगा। नहीं अब उसमें जो है ना हमने और विटनेस भी पर डाल सर ये दी सिस्टम है, बनाएंगे क्यों सर, ये सिस्टम ये को सिस्टम बनाएंगे मैथिसन हम बुथ क्यों, बना मैं रहे हैं ना क्राइम फ्री भारत में। वही कह रहा हूँ सर, वो अपन बना भी देंगे ना सर, दिक्कत क्या आ रही है सर, अपन बनाते भी है ना सिस्टम, तो ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इंप्लीमेंट आपको थोड़ी करना है, हम क्या कह रहे हैं कि आप थाने में जाओ और हमें भी रिपोर्ट करो, नाउ वी हैव बिकम ए पैरेलल एजेंसी। हम सेक्शन ये 39 करेक्ट सीएसपी ने हमारे ऊपर कानून जिम्मेवारी दी है कि यदि संज्ञेय अपराध हमारे संज्ञान में आता है तो हमारी ये ड्यूटी है कि हम उसे पुलिस को रिपोर्ट करें, राइट। हाँ और यदि राइट हम रिपोर्ट नहीं करते तो उसी कानून में लिखा है कि मुझे प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, और उसमें यहां तक भी लिखा है कि बाकी अपराधों में तो बर्डन ऑफ प्रूविंग इन जो है कन्वे की गिल्ट इट इज ऑन द प्रोसिक्यूशन एंड पुलिस, बट इस सेक्शन 39 में अलग चीज लिखी है, उसमें लिखा है कि भाई साहब आप इनोसेंट है ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। तो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने के बाद हमारा सिस्टम अपने सिग्नेचर से जाएगा कि मैं सो एंड सो मुझे ये संज्ञान अपराध की जो है ना जानकारी मिली है जिसे रिपोर्ट करना मेरी वैधानिक जिम्मेवारी है अंडर सेक्शन 39 सीआरपीसी। ए थानेदार तेरी भी ये वैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर सेक्शन 154(1) ऑफ द सीआरपीसी, आपसे अपेक्षा की जाती है अपनी कानूनी जिम्मेवारी का निर्वहन करें, एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई करें, अन्यथा जो है अन उपलब्ध विकल्पों का आपके विरुद्ध उपयोग किया जाएगा, बराबर है आपने कहीं जो है ना उसको हाथ नहीं जोड़े कोई बात नहीं की, नंबर 1। बराबर नंबर 2 जो है 154(3) में एसपी को पावर है ओरिजिनल कि यदि थानेदार ना सुने तो आप उनको दो, और वो एसपी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर दे रहा है कि यदि आप ये जांच किसी भी सबॉर्डिनेट को दे सकते हो, मतलब आपको ओरिजिनल उस लाइन ऑफ हायरार्की में नहीं देने की जरूरत है, राइट। और आपकी शिकायत यही होती है कि साहब जिसकी हम शिकायत करते हैं उसी के पास पहुंच जाती है, राइट। बराबर है 154(3) जो है ना एसपी के ऊपर ऐसा कोई बंधन नहीं करता है, वो कहता है कि आप अपने किसी भी कनिष्ठ को
मतलब वो तो ये भी नहीं कह सकता है कि वो सब इंस्पेक्टर रैंक का हो या इंस्पेक्टर रैंक का हो। तो यदि एसपीए निर्णय लेता है कि उसके पास एक अच्छा हवलदार है और उस हवलदार को उस शिकायत उसका इन्वेस्टिगेशन देता है, तो वो हवलदार कानून ने उसे एसएचओ का पावर दे दिया है, तो उसे अच्छा। उसे इस थानेदार के पास जाके एफआईआर भी दर्ज नहीं करना, बिकॉज जो एसपी उसको जांच देगा ही विल बिकम एसएचओ फॉर दैट पर्टिकुलर केस। उसको उसको थाना प्रभारी के उसकी पदस्थापना की जरूरत नहीं है, इतना बृहद पावर दिया है। फिर आपका जो है कोर्ट ने कहा कि साला पुलिस ने नहीं सुना तो क्या करेंगे, तो उसने ये जिम्मेवारी न्यायालय को भी दे दी। तो 156(3) सीआरपीसी में जिस मजिस्ट्रेट का ज्यूरिडिक्शन है ये उसकी जिम्मेवारी है कि यदि पुलिस नहीं सुनती है और उसे कोई अप्रोच करे तो वो उसको डायरेक्शन दे सकती कि इसमें एफआईआर दर्ज हो। ये 156(3) है, ठीक है ना। नहीं तो नॉर्मली नॉर्मली जस्ट सुनो ध्यान से, एक कानून के प्रावधान है, इनको ध्यान से सुनो। ये रिकॉर्ड भी किए जा रहे हैं क्योंकि इट विल बी अपलोडेड समवेयर, तो इसको बहुत बारीकी से सुनो। यदि जो है 156(3) का यूज करते हुए यदि कोर्ट डायरेक्शन देता है तो नॉर्मल कोर्स में तो कोर्ट पे प्रतिबंध है कि वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन यदि उसने एफआईआर 156(3) के तहत कराई है तो ही इज हैविंग द पावर टू सुपरवाइज। क्यों? क्योंकि पुलिस तो एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहती थी, इसलिए कानून ने कोर्ट को यह पावर दे दिया है। फिर सेक्शन 482 में हाई कोर्ट को भी यही जिम्मेवारी दी है, तो यदि लोअर कोर्ट नहीं सुनती है तो हम सीधे 482 में सीआरपीसी में हाई कोर्ट जा सकते हैं। फिर ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ढेर सारे 6-5-6 जो है ना उन्होंने सिक्वल जजमेंट दिए हैं, और उस सिक्वल जजमेंट का जो सम टोटल ये है कि यदि जो है पुलिस को संज्ञेय अपराध मिलता है तो उसे अपराध पंजीबद्ध करना ही होगा, राइट। यदि किसी कारण से इस निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं कि संज्ञेय अपराध हुआ है तो आप जांच कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते हैं, आप जांच कर सकते हैं कि क्या संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं हुआ है। इट मीन्स आप ओरिजिनल कंटेंट पे नहीं जाएंगे, यू विल ओनली लुक इनटू द कंटेंट कि संज्ञेय अपराध हुआ है कि नहीं हुआ है, दैट्स ऑल, राइट। और जैसे ही आप ये तो कह देते हैं कि लोकेशन लोकेशन वो हमारे थाने में नहीं आती सर, ये अरे वो तो अलग ज्यूरिडिक्शन का इश्यू हो गया है, तो आपके थाने में नहीं आती तो आप जो है ना उसको जीरो पे कायम करो, वहां ट्रांसफर क्या दिक्कत है। भाई जीआरपी तो जो है ना लेफ्ट राइट एंड सेंटर दूसरे स्टेट के अपराध पंजीबद्ध करती है, जीआरपी में तो रिपोर्टिंग ही दूसरे थाने में होती, क्योंकि जब आदमी की आंख खुलेगी तब जो है ना वो फिर उसको जहां मौका मिलेगा वहां रिपोर्ट करेगा, तो उसकी रिपोर्ट तो उस थाने को छोड़ो तो उस स्टेट के ना होकर दूसरे स्टेट में रिपोर्ट होती है। तो हम जो है यदि उसको वहां भी रिलीफ नहीं मिलता है तो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भी लगा सकते हैं और कॉन्टेम्प्ट पिटीशन भी लगा सकते हैं, राइट। अब ये तो हो गया कानूनी अधिकार, राइट। अब अज्यूम करिए कि यदि सीएफबी का पोर्टल पॉपुलर हो गया, पूरे 137 करोड़ लोग उसको इन्फॉर्मेशन देने लगे, तो डाटा कंपाइलेशन क्राइम फ्री भारत के पास बहुत हो जाएगा ऑब्वियसली। तो वो थानेदार का पूरा उठा के एसपी के पास भेजेगा कि आपका ये थाना तो अपने जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं कर रहा, आप इसके विरुद्ध प्रशासकीय कार्रवाई करो, राइट। फिर जो एसपी को भेजा है उसको कंपाइल करके उसको डीआईजी को भेजेगा कि देखो एसपी के विरुद्ध कार्रवाई करो, राइट। फिर डीआईजी का कंपाइल करके जो आईजी के विरुद्ध भेजेगा कि देखो आपके डीआईजी ने कार्रवाई नहीं की है। फिर आईजी का जो है ना कंपाइल करके डीजी को भेजेगा, फिर डीजी का कंपाइल करके जो है ना राज्य सरकार के पास भेजेगा, राइट। और ये बात वो हर पीरियोडिकली कर सकता है, राइट, क्योंकि भाई आप तो कार्रवाई तो ग्राउंड पे कोई कर नहीं रहा है तो डाटा बढ़ते जाएंगे और उसके पास पैरेलल एजेंसी क्रिएट करके ये इन्फोर्स कर रहे हो जो ये लोग इन्फोर्स करना है। पैरेलल एजेंसी ना कहें, इसको कहें इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म, क्योंकि सरकार जो है कि ना नियत है ना सोच है ना इच्छा शक्ति है, लिहाजा ये जो मैकेनिज्म है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म इट हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। क्राइम फ्री भारत ने कहा ये काम मैं करूंगा, हाँ पब्लिक डोमेन से आना चाहिए।
अगर सरकार नहीं करती। अब आप पब्लिक डोमेन को फिर कंफ्यूज कर रहे हो। आई एम सेइंग क्राइम फ्री भारत के तहत मैथिली शरण गुप्त इस काम को करेंगे। नाउ आई एम वी विल क्रिएट दैट पोर्टल, वी विल क्रिएट ऐप। हमारा बंदा जो है ना, खबर मिलेगी तो हम पैरेलल में उसे फरियादी के पास भी भेज देंगे। वो जो जहां इन्वेस्टिगेशन करना है वहां पे भी उसको भेज देंगे, राइट। और वो जो है ना पुलिस को नहीं भेजेगा, वो हमारे पास भेजेगा, हम उसे कंपाइल करके पुलिस और कोर्ट को देंगे। और उस पूरी प्रोसेस को डेट और टाइम लोकेशन में उसी समय लॉक करेंगे। तो देयर कैन नॉट बी एनी मैनिपुलेशन, देयर कैन नॉट बी एनी आफ्टर थॉट, देयर कैन नॉट बी एनी आफ्टर एक्सप्लेनेशन, राइट। और उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा। अब जो है ना, इतना साल का अनुभव है, जिन्होंने जो है ना क्राइम फ्री भारत की सोच रखी है, उसे मालूम है कि हम अब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन लीड देंगे, जिससे पुलिस का सबसे साधारण स्तर का अधिकारी भी सभी ऑफेंसेस को डिटेक्ट कर पाए। फिर पब्लिक के पार्टनरशिप से जो एविडेंस कैप्चर अभी नहीं भी हो रहे हैं उसको कैप्चर करा देंगे, और जो भी इसको लगाएगा उसको इतने जो है ना रेवेन्यू फ्लो होगी कि वो 1 से 3 महीने में उसका पूरा पैसा निकल आया, तो फिर तो वो आय का जरिया बन गया। तो वेल्थ क्रिएट करना इज ऑल्सो वन ऑफ द पर्पज ऑफ द सीएफ की। वी आर सेइंग कि हम वायलेशन की कैप्चरिंग, इविडेंस कैप्चरिंग और कंपाउंडिंग के माध्यम से इतना रिसोर्स क्रिएट करेंगे कि आपको जितना पैसा इनकम टैक्स और कस्टम से मिल रहा है उतना पैसा तो हम शायद 10 दिन या 15 दिन में क्रिएट कर देंगे। 10 या 15 दिन ओनली। देखो मैं आपको एक देता हूं, मोटर व्हीकल एक्ट का वायलेशन मान लो आप, ठीक है ना। ऐप के थ्रू 3 तरीके से उसको पकड़ने का सिस्टम बनाया है आपने। एक ऐप से बना दिया जो आदमी पकड़ रहा है, जगह जगह पे सीसीटीवी लगा दिया, जगह जगह पे आईओटी डिवाइस लगा दिए, राइट। कैप्चर होके वो चीजें जो है लॉक होके नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन क्रिएट हो जाती है, तो उसके पास पहुंच जाएगा। जब तक नहीं पहुंचेगी, जब तक ये नहीं बनाती है सरकार, तब तक जो है ना क्राइम फ्री भारत के पास पहुंचेगा, राइट। क्राइम फ्री भारत उसको जो है संबंधित के पास पहुंचाएगा, राइट। उसको जो है ना लॉक और डेट टाइम के साथ जो है ना एज एविडेंस कोर्ट में भी और पुलिस को भी देगा, और साथ में इन्वेस्टिगेशन की लीड भी देगा। तो यदि पुलिस यदि जानबूझ के उसका पालन नहीं करेगी, तो जैसे अभी अपन एफआईआर की अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ऐसे ही अपन इन्वेस्टिगेशन लीड की नॉन कंप्लायंस की अकाउंटेबिलिटी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए था। यदि आपके दिमाग में नहीं आया और किसी दूसरे के दिमाग से आप तक भेजा गया, तो आपने जानबूझ के उसे इग्नोर किया, तो अपने दायित्व का निर्वहन किया, निर्वहन नहीं किया, तो इसके लिए आप प्रशासकीय तौर पर अकाउंटेबल। अब जो है ये तो पूरे, चूंकि सभी लोग जो है ना सैया भाई कोतवाल जैसी स्थिति है, पूरा सिस्टम जो है ना जो मनी क्रिएट कर रहा है वो तो इन नेताओं को जा रहा है, तो ये नेता तो पिघलने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इस लूट में वो हिस्सेदार है। डू यू एग्री विथ मी? डू यू एग्री विथ मी? 100%। अब ये कंपाइलेशन एक जो है अपोजिशन के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली पहुंचता है, और वो टेबल पर पटक पटक के कहता है कि तुम्हारे इन थानेदार हैं, ये 1000 थानेदार, इन्होंने जो है ये नहीं किया, आपके इतने एसपी ने ये नहीं किया, आपके इतने डीआईजी ने ये नहीं किया, आप बताओ कि इसमें ये सत्य है कि नहीं है, राइट। ये जानकारी आपको होते हुए कार्रवाई ना करने के लिए कि आप इनको सस्पेंड करेंगे क्या? कितने समय तक ये मोटी खाल करेंगे? अच्छा, अज्यूम कर दिए उन्होंने एक विधानसभा सत्र निकाल दिया, तब तक आपके आंकड़े और बढ़ जाएंगे। बराबर है, राइट। अच्छा, अब जो है सीएफबी, जस्ट ए मिनट, ये है कि क्राइम तो हो रहा है। नहीं नहीं, इट इज नॉट ओनली दैट, वी आर हैविंग नॉन डिस्प्यूटेबल इविडेंस ऑफ एवरीथिंग, जो डेट टाइम लोकेशन को हैश वैल्यू के साथ लॉक भी हो रहे हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए, जिसको कोई भी पॉल्यूट नहीं कर सकता है, ना फरियादी, ना कोई सीएमपी, राइट राइट। नाउ जो है हर महीने जो है ना गवर्नर साहब आप एक रिपोर्ट भेजते हैं, तो सीएफबी जो है अभी तक तो उसने एमएलए के माध्यम से और एमपी के माध्यम से लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी को फिक्स किया। तो पहले हमने क्या किया, लीगल अकाउंटेबिलिटी लाए, राइट, जो हमने इतने सारे नियमों की बात कर रहे थे। फिर हमने दूसरे में क्या किया, हम प्रशासकीय रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी को लाए, राइट। फिर तीसरे में हमने क्या किया, विधानसभा और पार्लियामेंट में क्वेश्चन के माध्यम से वी ब्रॉट द लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, राइट। अब हम चौथे अकाउंटेबिलिटी में जा रहे हैं, संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी। तो संवैधानिक अकाउंटेबिलिटी पूरी करने की जिम्मेवारी, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो गवर्नर की है, राइट।
तो वो गवर्नर के पास हर महीने, क्योंकि गवर्नर हर महीने रिपोर्ट भेजता है, तो हर महीने एक रिपोर्ट बना के भेजेगा कि देखिए आपके सरकार का जो है ना कंस्टिट्यूशनल फेलवर ऑफ मशीनरी हो रही है, देखो ये एविडेंस है, इतनों ने FIR दर्ज नहीं की, आपके प्रशासकीय लोग जो है ना संज्ञान नहीं ले रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कोर्ट जो ना लेजिस्लेटिव असेंबली में भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनका भी जवाब नहीं दिया जा रहा है, लिहाजा। अच्छा एक चीज बताइए सर, एक मिनट इसे कंप्लीट करने, पहले कंप्लीट दो फिर क्वेश्चन पूछना। तो जो संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मशीनरी फेल हो गई है, अब हमने गवर्नर को भेजा, गवर्नर भी नहीं का प्यादा है, एक नेता बैठा हुआ है, तो वो आपकी रिपोर्ट पे क्यों कार्रवाई करेगा, राइट। अब दो इशू बनते हैं, एक तो ये इशू बनता है कि जहां की सरकार इनको फ्री नहीं होगी वहां पे उन्हें अच्छा मसाला मिल जाएगा, सरकार को डिसमिस कर देगा, राइट। अपने को फायदा ये होगा कि कोई भी डिसमिस हो हमारा पॉइंट तो प्रूव हो रहा है, राइट। इट डज नॉट मैटर कि इसकी सरकार गिर रही है, एक सरकार गिरेगी तो अकाउंटेबिलिटी आएगी, राइट। और फिर देर विल बी लॉजिक होगा कि दूसरी सरकारें भी गिरेंगी। अब अज्यूम करिए कि गवर्नर ने भी मोटी खाल करके रखी, वो आपकी कोई रिपोर्ट नहीं भेज रहा है, तो चूंकि हमने तो रिपोर्ट राइटिंग में भेजी है कि साहब कंस्टिट्यूशनल फेलोअर है, आप अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करो, फिर हम PIL लगाएंगे कि साहब हमने गवर्नर महोदय को पिछले एक साल में 12 रिपोर्ट भेजी है और इन्होंने एक भी कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है, अब आप ये देख के इनको आदेश जारी करो, इशू मंडा मत, बिकॉज ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। अब अज्यूम करिए कि कोर्ट ने भी नहीं किया, तो हम हर 12 महीने में एक एक भेजेंगे। सर गवर्नर के खिलाफ PIL लग सकती है सर? हम तो ये कह रहे हैं कि हमने इनको जो डाटा भेजा है, इनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है कि ये अपना काम करो, जब सरकार के विरुद्ध लग सकती है तो इनके विरुद्ध क्यों नहीं लग सकती? यदि प्रेसिडेंट के विरुद्ध लग सकती है, इनके विरुद्ध लग सकती है, भाई गवर्नमेंट की मशीनरी जो काम नहीं कर रही है उसके लिए 5 तरीके की रिट है, वो सब रिट लग सकती है, वो तो सरकार के लिए ही खिलाफ रिट है वो तो। भाई आप इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट ना कर पाए लेकिन रिट तो लग सकती है ना, मंडा मस्त तो जारी हो सकती है ना। हाँ 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 करेक्ट, तो हम तो रिक्वेस्ट यही कर रहे हैं ना कि मंडा मस्त जारी करो। बराबर है। अब आप ये बताओ, यदि हम इस तरीके से यदि हमारी मशीनरी काम करेगी तो कब तक सरकार सहन करेगी इसको? सरकार की औकात नहीं है कि सहन करे, नहीं करेगी, करेक्ट। क्यों? क्योंकि जब उसके गिरने की नौबत आएगी तो वो लेफ्ट राइट एंड सेंटर, अभी थोड़ा सा भी केस हो जाता है जहां उसको लगता है कि मेरे वोट अफेक्ट हो जाएंगे, वो तत्काल जो है ना एसपी को सस्पेंड करते हैं, चाहे बाद में इस अंडरस्टैंडिंग से करें कि हम तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, कमीशन हम आप ऐसा बिठाएंगे जो आपकी कोई गलती नहीं करेगा, कोई आपकी गलती साबित नहीं करेगा, तुमको मैं अच्छा जला दे दूंगा, लेकिन उस समय तो उसे कार्रवाई करना पड़ती है, करेक्ट करेक्ट। तो इस जहां बोर्ड की सरकार को यदि हम अकाउंटेबल बनाएंगे, और यही हमारा कहना है कि हम ये प्रदर्शन करना भंग करें, हम अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म लाए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जो ना सरकार लेके नहीं आएगी, क्योंकि ना तो उस काम से वो बनी हुई है, वो काला अंग्रेज है, वो स्वतंत्र तंत्र का जो है ना उसे हिस्सा मिल रहा है, ना मशीनरी आपका काम करेगी, क्योंकि मशीनरी उस शोषण के लिए बनाई गई है, आपको बेइज्जत करने के लिए बनाई गई है, आपको अपमानित करने के लिए बनाई गई है, आपका बिजनेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई गई है, क्योंकि यही मूल काम था। यदि आप यदि इनके जो है आप बहस देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो उसमें ये सब बातें कही हैं, हम अपनी अपने मन से बातें नहीं कह रहे हैं, इस मकसद से ही ये मशीनरी बनाई गई थी। बराबर है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द यूनाइटेड किंग ब्रिटिश पार्लियामेंट, रिसर्च करो देखो और उन सबको निकाल के पब्लिक के सामने लाओ। तो जो ये मशीनरी बनाई इसलिए कि ये उगाही कर सके, अपने मनमानी से जो है तंत्र चला सके।